व्यूज ऑफ द चैनल educate.com, सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि DHE की एडमिशन 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसको कैसे करना है अब मेरे साथ आप सीखेंगे इसी प्रोसेस को, तो मैं बहुत ही जल्दी आपको पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाते रहें। और इसके बाद मैं अगली दो वीडियोज़ के अंदर अपने जितने भी पूरे प्रोसेस की विधि है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, उसको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ई प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं दिखा देता हूँ ये वाला स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके की साइट खुल जाएगी, तो जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप्स टू फॉलो, ध्यान से आपने पढ़ना है यहाँ पर। तो क्लिक ई प्रवेश ऑन DHE, और जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले आपने वेबसाइट पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, स्पेलिंग ऑफ द नेम मस्ट बी सेम एज इन 10th मार्कशीट। तो जब भी आप कुछ भी यहाँ पर भरेंगे, जो आप अपने 10th की जो DMC है, डिटेल मार्कशीट जिसे बोलते हैं, उसमें जैसे स्पेलिंग्स लिखे हैं वैसे करना है। तो सबसे पहले आपने, बहुत ही सिंपल है, मोबाइल नंबर डालना है और एक पासवर्ड बनाना है। उससे आपके पास एक मैसेज रिसीव होगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी 70 रुपीज़ ऑनलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म और नोट डाउन द ट्रांजेक्शन नंबर जनरेटेड, और पेमेंट वेरिफिकेशन विल टेक मैक्सिमम अप टू 24 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आज मैक्सिमम बच्चे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, जिससे कि आपके, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी पेमेंट एक्टिवेट होगी, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्स विथ सेम यूज़र ID एंड पासवर्ड, हाउएवर द एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल हैव टू सेपरेट फिल फॉर डिफरेंट कोर्सेज। तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझाई गई है कि आप कैंडिडेट जो है मल्टीपल कोर्सेज एक ही लॉगिन से कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म जो है अलग अलग सेपरेट फिल करने होंगे अलग अलग कोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा BSc और BBA करना चाहता, दोनों फॉर्म्स भरना चाहता है, या BCOM में BBA प्लस कोई BCA करना चाहता है, तो उसको सेपरेट फॉर्म्स भरना होगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है www.dhecht.government.in, और इसके बाद क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास डिग्री कोर्स कॉलेजेस का नाम आएगा, प्रोफेशनल कॉलेजेस आएगा। तो आपने प्रोफेशनल, मैंने आपको बताया दो कॉलेजेस हैं, तो डिग्री कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, डिग्री कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं। न्यू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हमारे एडमिशन ले रहे हैं, जो हमारे प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स कौन से हुए, जो 3rd या 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि दो प्रोसेसेस हैं, एक सेंट्रलाइज एडमिशन है, एक नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन है। तो जो बच्चे BSc और BCOM BBA करना चाहते हैं, उनका जो एडमिशन है वो सेंट्रलाइज है, BA के जो कोर्सेज है वो नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन है। तो ये आपने ध्यान से क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट विल हैव टू फिल ऑल द वेरियस कॉलम रिक्वायर्ड, सारे के सारे आपने करना है। फॉर सेंट्रलाइज कोर्सेज कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट प्रेफरेंसेज ऑफ कॉलेजेस, बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेज सीट विल बी अलॉटेड ऑन मेरिट, चेंज ऑफ ऑर्डर और प्रेफरेंसेज ऑफ द कॉलेज आफ्टर सबमिशन ऑफ इज नॉट अलाउड एंड एट एनी स्टेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्टेप नंबर 3। जब आप अपने फॉर्म्स को फिल कर लेंगे, उसके बाद आपसे ऑप्शंस मांगे जाएंगे कॉलेजेस, जो कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा DAV कॉलेज हैं हमारे पास, MCM DAV प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो जिस क्रम में, जैसा कि आपको बताया कि आप अपने परसेंटेज के हिसाब से अपने आइडियाज़ लगाकर अपने चॉइस भरनी है, और एक बार जब आप चॉइस भर दोगे तो उसके बाद आप जब उसको सेव कर दोगे, उसके बाद आप दोबारा उसको नहीं भर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेपरेट कॉलम फॉर मदर नेम, फादर नेम, बोथ नेम्स हैव टू बी मैंशन इन द फॉर्म। हाउएवर द केस एप्लीकेंट डज नॉट विश टू डिक्लेयर द नेम ऑफ आइदर द मदर और फादर, ही और शी मे नॉट टू बी फोर्स टू डू सो, एप्लीकेंट डिनाइड टू एडमिशन ऑन द ग्राउंड। तो इसमें आपका अगर फादर नेम, मदर नेम कोई बच्चा डिनाई करना चाहता, नहीं लिखना चाहता, तो उसको कोई वाद्य नहीं है कि वो करे। टिक द रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी जरूर टिक करनी है, और उसके बाद
रिजर्वेशन कैटेगरी के बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन मस्ट फॉर ए वर्किंग ईमेल, क्योंकि सारी जो डिटेल्स हैं आपकी फ़ीस डिटेल्स कंफर्मेशन ऑफ सब आपकी ईमेल आई पी रहेगी, और इसके बाद आपने व्हाट्सएप नंबर भी अपना देना है और पेरेंट्स का देना है, दोनों देना है। एप्लीकेशन विल बी रिसीव एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फील्ड ऑनलाइन फॉर्म थ्रू SMS एंड इज और ऑन मोबाइल। तो जितनी प्रक्रिया आपके मोबाइल के थ्रू होएगी, द कॉलम मेंट फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन इन द एडमिशन फॉर्म शुड बी फिल्ड विथ येस और नो, देर इज़ नो सेपरेट फॉर्म फॉर हॉस्टल एडमिशन, हाउएवर द एप्लीकेंट cannot claim the seat is a right. If the applicant does not opt for the hostel in the form, then he or she cannot claim for the at the time of admission. देखो सबसे पहली बात है कि जब इसमें हॉस्टल की जो है पहले से ही पूछा गया है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपने येस कर दिया तो ठीक है, अगर आपने नो कर दिया तो आपको किसी भी स्टेज पर हॉस्टल नहीं मिलेगा। इनकेस ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर हॉस्टल एंड ही और शी मस्ट फिल द कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द लोकल गार्डियन, ये बहुत जरूरी है, रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़, ये किसी भी अपने रिलेटिव का आसपास किसी का भी जानकार का दे सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट फुल बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFC कोड, आधार नंबर, EPIC नंबर, EPIC मतलब वोट कार्ड नंबर, इफ अलॉटेड राशन डिटेल्स, राशन कार्ड डिटेल, और ये फैक्शंस ऑफ उसमें करना है रिक्विजिट राउंड ऑफ टू द एडवांटेज लाइक 32.9, 39.9, 49.9, और इसको राउंड ऑफ कर देना है 33, जैसे 9 वाला राउंड ऑफ हो जाएगा, अगर आपके जैसे 5 है या 4 है तो 4 वाला लेस हो जाएगा, और फुल नेम ऑफ बोर्ड लिखना है, लास्ट एग्जामिनेशन पास, और एग्जांपल लाइक पंजाब एजुकेशन बोर्ड इंस्टेड ऑफ PSB पूरा लिखना है। एप्लीकेंट विल एबल टू व्यू एंड कैन मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म। जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो, और एक बार आपने जब लॉक कर दिया उसके बाद मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेशन एप्लीकेंट शुड नोट द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेटेड बाय ऑनलाइन सबमिशन, ये आपने एक कागज़ पे लिख के लगना है। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर जिसके साथ आपने पासवर्ड लगाया है आपका लॉगिन करने के लिए, बाद में कई बच्चे भूल जाते हैं फिर लिखता नहीं है, एप्लीकेशन नंबर फॉर्म जरूर आपने करना है। एट द स्क्रूटनी ऑफ द फॉर्म इफ एनी डिस्पेंसी आर फाउंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड SMS विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट टू द रजिस्ट्रार। अगर किसी प्रकार की कोई डिस्पेंसरी रहती है आपके फॉर्म भरने में या कोई अपलोडिंग में, तो आपको तुरंत SMS द्वारा सूचना दी जाएगी। एप्लीकेंट फॉर्म विल बी अनलॉक, ही एंड शी विल अपलोड द एडिशनल डॉक्यूमेंट डिमांडिंग और रिसीविंग द, तो अगर कोई डिस्पेंसरी आती है तो आपका फॉर्म को अनलॉक कर दिया जाएगा, और SMS प्राप्त करने के बाद तो फिर आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट और इनकम्प्लीट इन एनी सबमिट इज नॉट बी एक्सेप्टेड। डिक्लेरेशन गिवन बाय द एडमिशन फॉर्म शुड बी डिजिटली साइंड बाय द एप्लीकेंट एंड द पेरेंट्स और गार्डियन। उसके बाद अपलोडिंग्स हैं, ये आपकी क्या क्या अपलोडिंग होनी है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, प्लस टू का सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी बोर्ड EMC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट या ट्राइब, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, रूरल बॉर्डर, ये सारी बताई थी मैंने, स्पोर्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फॉर बोथ UT पूल एंड जनरल पूल एप्लीकेंट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और लास्ट कोर्स पास बाय द एप्लीकेंट वेयर रिक्वायर्ड। और ये इसका जो आपकी फ़ोटो का साइज़ है वो लेस देन नॉट मोर देन 50 KB होनी चाहिए, सिग्नेचर नॉट 50 KB एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो मोर नॉट मोर देन 50 KB। और ये सारी आपकी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। तो ये सारे जो है, और कुछ फॉर्म्स जो हैं एनेक्जर्स में दिए हुए हैं, मैंने जो अपना जॉइंट प्रोस्पेक्टस उसको भी स्टडी कर लिया है, और जॉइंट प्रोस्पेक्टस में कुछ हमारे लास्ट में एनेक्जर्स दिए हुए हैं, जैसे गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनाना, जैसे सिंगल चाइल्ड का बनाना, रिजर्वेशन कैटेगरीज का, वो सारे सर्टिफिकेट उसी परफॉर्मे में फॉर्मेट में बनाने हैं जो कि अवेलेबल है हमारे बुकलेट के अंदर। तो ये थी पूरी डिटेल वीडियो आपको कैसे आपने फॉर्म फिलअप करने हैं, और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत अपने रजिस्ट्रेशन करा दें बाई पेइंग 70 रुपीज़, क्योंकि 24 आवर्स लगेंगे इसको वैलिडेट होने में, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस आप कर पाओगे। तो ये अब खुल चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस एक तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपना कार्य जो है पूरा करें, और टाइम टू टाइम आपको पूरी गाइडेंस और सारी सपोर्ट दी जाएगी
चैनल के माध्यम से और भी जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी भी मैं वीडियोस आपके साथ अपलोड करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ educate.com।